फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं टीच ओनली 99 टेक्निकल हेल्प। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि ये जो एरर आ रहा है आपको भी इसमें भी, अगर ये जहां पर देखिए ये वायलेज वार्निंग दिखा रहा है इस तरह से, और यहां पर इंडेक्सेज थाउज ब्लॉकेज बाय रोबोट TXT, अगर ये वाला एरर आपके इसमें भी आ रहा है तो इसे कैसे आप फिक्स कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और तो इसके लिए आप ये पूरी वीडियो चलिए देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोग ये एरर चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको नहीं पता तो आपको सिंपली गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है गूगल सर्च कंसोल। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। आपको उसी ईमेल आईडी से लॉग इन रहना है अपने गूगल में, जिससे आपने वेबसाइट बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सर्च कंसोल ओपन हो जाएगा। फिर इस ये 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक कवरेज का ऑप्शन आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कवरेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है। अगर आपके इसमें कोई एरर होगी तो वो इस जगह पर दिखाई देगा और यहाँ पर ग्राफ स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि मेरे में कोई एरर नहीं है, पहले था तो वो मैंने फिक्स करके आपको दिखाया था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिक्स हो चुका है। वो वीडियो मैं काफ़ी पहले डाल चुका था तो आप लोग देख सकते हैं, वो एकदम वर्किंग वीडियो थी। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये वाले फिक्स करी हुई, ये वार्निंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरे 23 वार्निंग आई हुई हैं और इसी को मैं आपको फिक्स करके दिखाऊंगा या फिक्स करना बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे वार्निंग पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर दिखने लगेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। तो देखिए इस तरह से ग्राफ आ रहा है और ये देखिए यहाँ पर हमारी ये जो एडसेंस सर्च और ये फ्रीलांसर, ये जितने भी मैंने वो बनाए थे अपने, ये टैग बनाए थे मैंने जितने, ये सब पर ये एरर आया हुआ है इस तरह से, और कुछ यूआरएल्स पर भी। तो जिसकी वजह से मैं कोई भी अभी मैं कुछ भी इंडेक्स कर रहा हूँ गूगल पर, देखिए जैसे मैं बहुत इंडेक्स करता रहता हूँ, कोई भी आर्टिकल तुरंत इंडेक्स कराता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अब इंडेक्स कराता हूँ तो यहाँ से देखिए मैं अभी मान लीजिए चलिए इस यूआरएल को फिर से इंडेक्स करता हूँ, जो कि इंडेक्स मैंने यहाँ से कराया था पर वो गूगल पर इंडेक्स हो नहीं रहा। आपको भी यही प्रॉब्लम होगी, आप कितना भी आर्टिकल लिखिए आपका आर्टिकल गूगल पर इंडेक्स नहीं हो रहा होगा, और यह तो बहुत मुश्किल में काफ़ी टाइम में हो रहा होगा, काफ़ी दिनों बाद। देखिए यहाँ पर तो सब दिखाने लगता है पर इंडेक्स नहीं हो रहा है, इसी की वजह से मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। यहाँ पर दिखाने भी लगेगा कि इंडेक्स हो चुका है, ग्रीन हो जाएगा पूरा, पर जैसे ही उस यूआरएल को आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपका यूआरएल गूगल पर नहीं दिखाई देगा। हो सकता है एक बार आए, फिर अगली बार जब आप चेक करेंगे कुछ समय बाद या अगले दिन, तो वो यूआरएल आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आपके साथ भी ऐसी सब प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको सीधा ये सब छोड़िए, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पर आना है। तो देखिए मैं अपनी वेबसाइट पर आ चुका हूँ जिस पर मुझे ये एरर आए हुए हैं। इसके इंडेक्स मैं इस वेबसाइट के आर्टिकल्स को इंडेक्स करा रहा हूँ पर इंडेक्स हो नहीं रहे हैं, हो भी जाते हैं तो ये एरर आ जा रहा है और इंडेक्स होने के बाद गूगल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर आना है, इसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सर्च प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च प्रेफरेंस पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और आपको मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप ये नीचे वाला जो ये कस्टम रोबोट हेजर टैग है, इसको आपको देख लेना है, एडिट कर लेना। मेरी इस पे मिस्टेक है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है। एक तो ये आपको भी चेक कर लेना है अगर आपके इसमें भी हो तो। देखिए यहाँ पर हमें ये इस तरह स्टिक लगाना होता है, तो मैंने इसे सुधार लिया था पर पहले मेरे में इस जगह पर ये ऑल पर क्लिक लगा हुआ था, जो कि हमें यहाँ पर ऑल इस जगह पर ऑल पर नहीं करना है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा था। तो इसको यहाँ पर लगा होना चाहिए, नो इंडेक्स करना है इस जगह पर, ठीक है। तो चलिए जो लोग अभी नए हैं तो उनको मैं समझाता हूँ, मैं चलिए स्टार्टिंग से लगाता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिए करना क्या है इस पर। देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस है, अभी देख सकते हैं आप लोग कहीं पर अभी टिक नहीं लगा हुआ है। तो देखिए ये अभी मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, आप लोग सही सही एकदम टिक लगा लीजिएगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम, अगर गलत लगा हुआ है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर आपने लगाया ही नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। तो यहाँ पर होम पेज पर ऑल करना है और सेकेंड पर नो GP, ठीक है। आपने देख लिया होम वाले पे यहाँ पर ऑल, यहाँ पर नो GP, फिर नीचे आना है, इस पर आपको कुछ नहीं करना बॉक्स वाले पे, फिर आर्काइव एंड सर्च पेज पर, इस पर आपको ऑल नहीं करना, इस पर नो इंडेक्स करना है और नो GP,
ठीक है, नो इंडेक्स और नो एनडीपी, इसी की वजह से एरर आ रहा है, क्योंकि ये इंडेक्स नहीं, इससे हम इंडेक्स यहाँ पर ऑल पर कर दिए किया हुआ था मैंने, जिसकी वजह से वो इंडेक्स हो रहा है तो एरर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ से नो इंडेक्स करना है इसे। अब यहाँ से लास्ट वाले पे डिफॉल्ट फॉर पोस्ट और नो डीपी, तो आप लोग देखिए नो डीपी सब पे करना है तीनों पर, और बस फर्स्ट वाले पे ऑल और लास्ट वाले पे ऑल और बीच वाले पर नो इंडेक्स कर देना है। आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से, तो आप लोग देखिए इतना करने के बाद ये सही सही से टिक लगाने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है। अब दूसरा काम करना है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आपको कस्टम रोबोट टेक्स्ट TXT, इस जगह पर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व आपके इसमें होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैंने इस एरर को फिक्स किया है, इस वजह से ये सब सॉल्व है, नहीं तो आपके इसमें ये इतना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कट किया, मैं अब आपको दिखाता हूँ आपके इसमें इतना होगा, जिसके जिसके भी एरर आ रहा है तो आप लोगों के इसमें ये इतनी होगी सेटिंग। अगर आपने जनरेट किया है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, पर आप लोगों को देखना है इस जगह पर डिसअलाउ सर्च और यहाँ पर अलाउ, इन दोनों के ये दोनों पास पास होंगे, पर हमें इनके बीच में डिसअलाउ कैटेगरी और डिसअलाउ टैग करना है। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और सर्च के सामने यहाँ पर आपको सर्च के पास क्लिक करना है और इंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो इंटर प्रेस करने के बाद इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा और इन दोनों के जगह बीच में इस कोड को पेस्ट कर देना है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इन दोनों के बीच पे मैंने इनको सेल इन ये मैंने पेस्ट कर दिया है, आप लोगों को भी ये पेस्ट कर देना है। तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये तो आप देख लीजिए, इस तरह से आपको लिख देना है सिंपल डिसअलाउ कैटेगरी और डिसअलाउ टैग, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको सेव कर देना है, बस इतनी सी सेटिंग करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपको वेट करना है 24 घंटों से लेकर एक दो वीक तक लग सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स होना यार गूगल का काम है और उनके पास ऐसे ही इंडेक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये सब एरर फिक्स होने पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको पर ये आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आपको बस वेट करना है, आप लोग काम करके छोड़ दीजिए, बाकी आप अपने काम वेबसाइट पर वर्क करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही ब्लॉगर और एडसेंस और गूगल सर्च कंसोल, मतलब आप अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं तो खास कर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मोबाइल से मैं ये सब एरर और प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अगर आप भी मोबाइल से ये सब करते हैं ब्लॉगिंग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए ही है। तो तब तक के लिए बाय, चलिए।